नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माइबल एडुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे केएन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यस, ये मोदी नगर में है। इसमें एडमिशन लेना चाहते हो या फिर इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो, लास्ट तक देखना, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर स्किल से रिलेटेड और कई सारे एजुकेशनल वीडियोस जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इंस्टीट्यूट का बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, बिकॉज बेसिक मैक्स प्लस, राइट। तो चलिए बात करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1995 में हुआ था और ये ऑफकोर्स मोदी नगर में है, गाजियाबाद। और ये एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं जी मेंस। पॉपुलर कोर्सेज हैं यहाँ पे बीई, बीटेक, एमबीए, पीजीडीएम। ऑनरशिप ऑफकोर्स प्राइवेट है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे टोटल कोर्सेज 9 कोर्सेज कराए जाते हैं दो स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये था बेसिक चीज़ें मोटा मोटी। अब बात करते हैं हम फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे बीटेक करना चाहते हो तो 1.02 लाख फर्स्ट ईयर का फी है आपको। 10+2 विथ 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। एमबीए करना चाहते हो 1.02 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, ग्रेजुएशन विथ 50% आपको लाना पड़ेगा। बीबीए करना चाहते हो 35,500 फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। बीटेक लैटरल में एडमिशन लेना चाहते हो 1.02 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, 10+3 यानी कि आपको पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा 45% से कम से कम। बीसीए करना चाहते हो 35,500 फर्स्ट ईयर का फी है यहाँ पे और 10+2 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इस इंस्टीट्यूट का फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबका ये क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट आखिर क्या है, कैसा है। तो देखो, इस इंस्टीट्यूट में जो हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है ना वो है 6.7 LPA। यस, मतलब 6.5 लाख लगभग हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, और एवरेज बताऊँ तो यहाँ पे जो लोएस्ट या फिर कह सकते हो एवरेज वो है 2.1111 LPA। ठीक है, तो लगभग 2 लाख। तो ये है इनका प्लेसमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आई हुई थी यू नो जॉब देने के लिए, तो वो भी जानना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे टॉप कंपनीज जो आई थी, एक्सेंटर है, एयरटेल है, SCL, ICICI बैंक, इंडिया बुल्स, सैमसंग, सोनी, वोडाफोन, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं प्लेसमेंट देने के लिए। अब देखते हैं इनका फैसिलिटी। देखो, यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है ना वो आपको मिल जाएगा, किसी भी कॉलेज का जो बेसिक फैसिलिटी होता है तो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर भी बात कर लेते हैं यहाँ का फैसिलिटीज़ का। देखो, यहाँ पे हॉस्टल है, ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। यहाँ पे जो भी हॉस्टल से रिलेटेड फैसिलिटी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बताऊँ तो बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, और साथ में लैब्स भी हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लगभग सारे लैब्स हैं यहाँ पे। और लाइब्रेरी भी है, कैफेटेरिया है, जिम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, वाईफाई कैंपस है, सटल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देते हैं। जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी इस कॉलेज में आ सकते हैं। ऑडिटोरियम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था इस इंस्टीट्यूट का, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए यहाँ पे। तो देखो, एक बात सिंपल सा समझो, यहाँ पे जो फीस है उसके हिसाब से ये फैसिलिटीज बढ़िया देने का ट्राई करती है और देती भी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए फीस के अकॉर्डिंग तो इंस्टीट्यूट बढ़िया है। बट हाँ, अगर आपको बहुत बढ़िया और आपका फीस भी यू नो बजट भी हाई है तो इंस्टीट्यूट आपके लिए सही नहीं होगा। बट हाँ, आपको फीस यू नो बजट में रखना है और नॉर्मल एक बढ़िया कॉलेज भी चाहिए तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए है। ओके, तो ये था इस इंस्टीट्यूट के बारे में। और हाँ, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी कॉलेज को लेकर या फिर आपके करियर को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कांटेक्ट करो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।